नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट से के कविता को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने के कविता की ईडी और सीबीआई इन दोनों ही मामले में जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने के कविता की जमानत अर्जी का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। ईडी ने और सीबीआई इन दोनों ही जांच एजेंसियों ने सुनवाई के दौरान कहा था कि के कविता बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है। दूसरा, अगर के कविता को जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकती है। तीसरा, अगर के कविता को जमानत मिलती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। चौथा, के कविता साउथ लॉबी यानी दिल्ली आबकारी नीति मामले में जिस साउथ लॉबी ने काम किया है उसकी वो किंग पिन रही है। पांचवा, इस पूरे मामले की जो जांच है वो अभी जारी है, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। अब हम के कविता पर आते हैं कि के कविता की क्या दलील रही है। के कविता ने यह कहा था कि इसका उन मामले से यानी दिल्ली आबकारी नीति मामले से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, के कविता के खिलाफ ईडी या सीबीआई के पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तीसरा, ये जो पूरा मामला है वो एक राजनीतिक साजिश है यानी उन्हें फंसाया गया है। चौथा, वो साउथ लॉबी की किंग पिन नहीं है जो आरोप ईडी और सीबीआई लगा रहे हैं, क्योंकि के कविता 15 मार्च से ही उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से उन्हें अलग अलग टाइम पर ईडी और सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया था। इस समय के कविता दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। ये बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले के कविता को अदालत से राहत नहीं मिला है। हालांकि के कविता के पास विकल्प है, वो चाहे तो इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगर वो हाईकोर्ट का रुख करती हैं तो क्या के कविता को राहत मिलती है या नहीं। लेकिन आज की तारीख में के कविता को दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोनों ही मामले में यानी ईडी और सीबीआई के मामले में उनकी जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।